हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज जो प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं इस पूरे वीडियो में, ये नॉर्दर्न हिल्स बन रहा है दहिसर ईस्ट में। बिल्कुल हाईवे है, यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, पगोड़ा है, सी बीच है, क्रिक व्यू है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और सबसे टॉलेस्ट टावर है, आगे समझते हैं इसको। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20-30% 20-30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीजों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी मैं दिखाता हूं आपको 2 BHK का प्रॉपर्टी नॉर्दर्न हिल्स का, इसके बाद में 3 BHK दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। ये स्टार्ट में आपको किचन, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, वॉशिंग मशीन का जगह लास्ट में दिया हुआ है। और स्टार्ट में डबल डोर का फ्रिज, दोनों साइड कैबिनेट्स, और हाइट इसका 11 फुट का है, 11 फुट का हाइट है इसका। ये मोस्ट हाईएस्ट टावर है। ये आपको लिविंग डाइनिंग एरिया एल शेप में आता है। एक बार मैं विंडो के साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ से आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है जहाँ सूर्य वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे आप करीबन 6 से 8 चेयर का डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं अगर आप ऐसे रखेंगे तो। इन्होंने ऐसे रखा हुआ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको, पहले तो कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम इसका कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, इनका स्पेस भी अच्छा कवर किया है, बेसिन, कमोड, और ये इसका लास्ट का बाथ एरिया दिया हुआ है। मैं पूरा आपको थोड़ा कवर करके दिखाता हूँ। इसके बाद कॉमन बेडरूम में लेके चलता हूँ। यहाँ से इसका कॉमन बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं। कॉमन बेडरूम में वार्डरोब और बेड, साथ ही साथ टीवी यूनिट एरिया, ये सब कुछ बनाया हुआ है। ये सब बनने के बाद भी एक बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाता है। थोड़ा मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क कितना स्विंग फुल फास्ट में चल रहा है वो आप देख लें। ये बैक साइड में कंस्ट्रक्शन ज़बरदस्त, डे नाइट काम चल रहा है इसका। अभी मैं विंडो के साइड से एक बार पूरे बेडरूम का व्यू दिखाता हूँ। ये इसका वार्डरोब, यानी वार्डरोब बनाने के बाद भी, बेड रखने के बाद भी आप देख रहे हैं करीबन 5-4-5 स्क्वायर फुट का आपको जगह मिलता है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है इसका कि ये एरिया इसमें 3 साइज में 2 BHK है। वो मैं जब डिटेल अभी बताऊंगा तो बताऊंगा कि 3 साइज में इसका 2 BHK का क्या क्या साइज है। अभी देखते हैं मास्टर बेडरूम की एंट्री कहाँ से। यहाँ से आप मास्टर बेडरूम के लिए एंट्री करते हैं, और मास्टर बेडरूम में आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिल रहा है। हाइट वगैरह ये सेम 11 फुट का हाइट मिलने वाला है आपको। और अभी मैं यहाँ से पूरे बेडरूम का व्यू आप देख लें। 7x7 का भी अगर आप बेड रखते हैं, फिलहाल तो 5x6 रखा हुआ है, 5x6 रखा हुआ है, 7x7 का भी रखेंगे ना तो भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको यूटिलाइज करने को मिलेगा। एक बार विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्टडी टेबल रख सकते हैं, टीवी यूनिट एरिया रख सकते हैं, और इस तरफ वार्डरोब है इसका। ये वार्डरोब बनाया हुआ है तो भी अच्छा खासा एक आपको जगह मिल रहा है यूज़ करने के लिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ना कि ये इतना ऊंचा टावर है कि आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन, कोई फ्लैट या कोई बिल्डिंग इसके बराबर का है ही नहीं। 66 स्टोरी टावर, नॉर्दर्न मुंबई में सबसे बड़ा टावर है ये। दहिसर ईस्ट में आता है ये, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास। अभी मैं आपको अंदर से एक बार फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ, पूरा फ्लैट अंदर से किस तरह से एक बार शो होता है। और अभी मैं आपको 3 BHK में लेके चलता हूँ। अभी चलते हैं 3 BHK देखते हैं, जो 1101 1101 यानी 1101 स्क्वायर फुट का 3 BHK है। आइए देखते हैं। ये रेडी टू मूव OC के साथ प्रोजेक्ट है। ये इसका गैस प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म है,
और यहाँ पे आपका आप फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन या फिर बड़ा वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया हुआ है रख सकते हैं। साथ ही साथ इधर भी आपको छज्जा दिया हुआ है। ये डबल डोर फ्रिज का जगह दिया हुआ है। यहाँ से मैं व्यू लेके चलता हूँ, क्या कमाल का अट्रैक्टिव व्यू है। ये एल शेप में डाइनिंग एंड लिविंग एरिया, यहाँ पे आप करीबन बड़ी फैमिली अगर साथ में रहना चाहते हैं तो 8 से 10 चेयर का डाइनिंग टेबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बालकनी आप देख सकते हैं, ये पूरे 8 फुट के आसपास विड्थ में बालकनी है। ये देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल वातावरण। ये बिल्कुल इसके बगल वाला ही टावर है, ये 42 स्टोरी है और पीछे जो अभी बन रहा है नॉर्दर्न हिल्स, ये 66 स्टोरी टावर है। इतना बड़ा टावर पूरे दहिसर, कांदिवली, मलाड, अंधेरी और इधर देखें तो विरार तक बना नहीं है। यहाँ से व्यू इस साइड का तो आपको SGNP का है और बैक साइड का दिखाता हूँ आपको, वहाँ से सी व्यू, क्रिक व्यू, पेगोडा व्यू मिलता है। ये आपको मैं विंडो के साइड से एक बार पूरे हॉल देख लें, ये विंडो के साइड का व्यू है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। अभी देखिए यहाँ पे ना एक प्लस पॉइंट ये है कि तीनों के तीनों मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। जनरली देखने को मिलता नहीं है क्योंकि 3 BHK या 2 BHK के कंसेप्ट में एक कॉमन बेडरूम होता है और दो ही बेडरूम ऐसे होते हैं जिसमें अटैच्ड होता है। यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात दिया है, और इस तरफ इसका वॉशरूम दिया हुआ है। तीनों मास्टर बेडरूम जो मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट होते हैं उसमें होता है, और इधर एक यूटिलिटी स्पेस आपको मिल रहा है। और उस तरफ से एक बार कैमरा कवर करके दिखाता हूँ, बेसिन, कमोड और बाथ एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो पार्टीशन कर सकते हैं ग्लास में। ये आपको पूरा बेडरूम, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, दो मास्टर बेडरूम और है वो दिखाता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से दूसरा मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है जो सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है, और यहाँ से भी व्यू आपको बैक साइड का ही है, हाईवे का और संजय गांधी नेशनल पार्क का फॉरेस्ट और माउंटेन व्यू आपको मिलता है। इस तरफ इसका वॉशरूम दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी यूटिलिटी स्पेस आपको बना सकते हैं, मिल सकता है। यहाँ पे जो इन्होंने वॉश बेसिन दिया है वो प्लेटफॉर्म टाइप का दिया है, यहाँ पे सिंगल टाइप का नहीं दिया हुआ है। अभी चलते हैं इसका थर्ड बेडरूम, देखते हैं किस टाइप का है इसका थर्ड, तीसरा मास्टर बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसका थर्ड मास्टर बेडरूम, ये का साइज है और हाइट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 13 फुट का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। ये टॉप फ्लोर है 42 का। अब 62 स्टोरी जो मैं नॉर्दर्न हाइट हिल्स की बात कर रहा हूँ उसमें 11 फुट की हाइट मिलेगा आपको। यहाँ पे छज्जा दिया हुआ है जहाँ पे आप AC का आउटडोर वगैरह रख सकते हैं, और सामने आपको सी व्यू मिल रहा है, सामने आपको पेगोडा भी है, क्रिक भी है, कोई हाईएस्ट टावर है नहीं इतना। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म वाला वॉश बेसिन आपको मिलता है, आपको एक अच्छा खासा यूटिलिटी स्पेस मिल रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैट का अंदर से, इसका कैसे व्यू वगैरह आता है वो आप देखें जरूर। अभी मैं आपको पैसेज में लेके चलता हूँ कि नॉर्दर्न हाइट्स का पैसेज का डिज़ाइन कैसे किया हुआ है। हिल्स का तो अलग है, बट एक क्या होता है ना कि जब एक बिल्डर का क्वालिटी देखने को मिलता है तो एटलीस्ट ये समझ में आता है कि बिल्डर का काम करने का जो इंटेंशन है वो कितना ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं। ये इसका पूरा पैसेज है हाइट्स का। इसमें भी ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी सेल करने के लिए है, तो अगर रेडी टू मूव में भी अगर आप देख रहे हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, उसमें भी मेरी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। अभी मैं आपको नॉर्दर्न हाइट्स का एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ कि कितना ह्यूज लग्जरियस स्टाइल में इन्होंने बनाया है, क्योंकि नॉर्दर्न हिल्स का अभी रेडी नहीं हुआ है, तो एज एक आइडिया मिल जाता है आपको कि बिल्डर का काम करने का क्वालिटी कैसा है। एक बार सराउंडिंग, पार्किंग स्पेस, इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, आइए लॉबी देखते हैं इनका।
ये ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी है नॉर्दर्न हाइट्स का। हिल्स का अभी रेडी नहीं हुआ है, बट एक क्वालिटी दिखाने के लिए आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि बिल्डर का काम करने का तरीका किस टाइप का है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 42 स्टोरी से पूरा आपको मुंबई का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाईवे, मेट्रो, करीबन 60 या 65 स्टोरी पे फ्लोर पे अगर आप फ्लैट ख़रीदते हैं तो क्या व्यू रहेगा वहाँ से। चारों साइड इधर आपको नेशनल पार्क व्यू, इधर आपको सिटी का व्यू, इधर आपको सी व्यू यानी क्रिक व्यू, पगोडा व्यू मिलता है। यहाँ से आपको पूरा सी व्यू का नज़ारा मिल रहा है। बैक साइड आप देख रहे हैं अक्सा बीच का, आपको हिल दिख रहा है। अभी जो मैंने नॉर्दर्न हिल्स के बारे में बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट में डिटेल में, कि अभी जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट दिखाया आपको जिसमें 2 BHK जो फर्निश्ड मैंने दिखाया है वो नॉर्दर्न हिल्स का है, और 3 BHK जो मैंने दिखाया नॉर्दर्न हाइट्स का है, बट फ्लैट सेम कारपेट एरिया रहेगा और स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा क्योंकि डेवलपर एक ही है एनरोज, और लोकेशन भी बिल्कुल आमने सामने ही है। दोनों कॉम्प्लेक्स एक ही लैंड है पूरा इनका, करीबन 9 एकड़ का, उसी में सब कुछ इन्होंने बनाया है। अब नॉर्दर्न हिल्स का डिटेल जानते हैं। 1.4 एकड़ का इसका लैंड एरिया है करीबन 1.5 एकड़ का, और नॉर्थ मुंबई का टॉलेस्ट टावर है ये। इसको हम टॉलेस्ट टावर ऑफ नॉर्थ मुंबई बोल सकते हैं, बिकॉज 66 स्टोरी टावर, 66 माले का टावर अभी तक नॉर्थ मुंबई में किसी ने नहीं बनाया है। आप देखें तो अंधेरी के इस तरफ आप विरार तक जाते हैं तो इतना बड़ा टावर नहीं बना हुआ है। लोकेशन का USP समझें, यहां से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन हार्डली 1 मिनट ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस, यू कैन रीच हाईवे एंड मेट्रो स्टेशन। दूसरा व्यू की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप बैक साइड में संजय गांधी नेशनल पार्क, हिल व्यू, माउंटेन व्यू मिलता है, ग्रीनरी व्यू मिलता है आपको, और फ्रंट साइड में आपको सिटी मिल जाता है मुंबई का। उसके जब आप राइट साइड टर्न होते हैं तो सीधा सीधा आपको पगोड़ा व्यू मिल जाता है, क्रिक मिल जाता है, साथ ही साथ सी व्यू मिल जाता है। तो ये यहाँ का ना, आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं और हायर फ्लोर पे अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप नेचर की गोद में बैठे हैं, इतना खूबसूरत इसका लोकेशन है दोस्तों। ए विंग, बी विंग, दो विंग की सोसाइटी है ये। 15th slab इसका कम्प्लीट हो चुका है, 45% इसका अमाउंट ड्यू हो चुका है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करेंगे तो 45% आपको पेमेंट करना रहेगा, उस लेवल तक तो ये बन चुका है। कमर्शियल इसका फ्रंट साइड में जो रोड साइड है ना, फ्रंट में कमर्शियल है, बैक साइड में पूरा पोडियम पार्किंग है 10वें माले तक। बेसमेंट लेवल 3 और उसके ऊपर, और 8th लेवल पोडियम पार्किंग है। उसके बाद 9th एंड 10th इसका एमिनिटीज लेवल है। उसके बाद 11वें माले से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। 11वें माले से जो रेसिडेंस मिलेगा फिर वो आपको 66 स्टोरी तक रेसिडेंस है, जिसमें 2 BHK और 3 BHK लग्जरियस टाइप का ये बना रहे हैं। 3 BHK में बालकनी दिया हुआ है, तो वो बालकनी कंसेप्ट बड़े बड़े दिए हुए हैं, जैसा अभी आपने देखा जो मैंने नॉर्दर्न हाइट्स में आपको दिखाया कि बड़ी बालकनी रहेगी हॉल में, तो वो आपको 3 BHK में मिलेगा, 2 BHK में नहीं है। दो विंग्स हैं इसमें, ए विंग और बी विंग। 70-30 का रेशियो है का मास्टर प्लान में, 70% कंस्ट्रक्शन है, 30% इसका ओपन स्पेस है। डेवलपर ऑलरेडी इनका 2 प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है एनरोज द्वारा, जिसमें हेवन प्लाजा और नॉर्दर्न हाइट्स, जिसमें पब्लिक रह रही है, OC आ चुका है, सारा कुछ वर्किंग कंडीशन में है, तो रेपुटेशन इनका काफ़ी बढ़िया है मार्केट में। यहाँ के जो प्रीवियस यूजर्स हैं उनसे आप रिव्यू भी ले सकते हैं अगर आपके जान पहचान में कोई है तो। इस 66 स्टोरी टावर में एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 6 हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, वो एक्सट्रीम हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, पर सेकेंड 3 से 4 फ्लोर ये लिफ्ट तय करेगी, उतना हाई स्पीड लिफ्ट रहेगा, और 2 स्टेयरकेस रहेगा इसमें। 760 करीबन 750 फ्लैट का पूरा ये टावर रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, 750 फैमिली इसमें रहेगी। दिसंबर 2026 में इसका पोजीशन है बाय द लॉ ऑफ रेरा, रेरा में जो इन्होंने रजिस्टर किया है, बट ये आपको दिसंबर 2025 में ही डिलीवर कर देंगे, क्योंकि अभी तो डेवलपर को ना हर जगह रजिस्टर करना पड़ता है रेरा में, वहाँ पे पेमेंट स्टक रहता है बायर्स का, तो वो पेमेंट रिलीज करवाने के लिए 1 साल का परमिशन तो लेके चलते हैं, बट वो 1 साल में ही पहले ही कोशिश करते हैं मैं पोजीशन दे दूं, ताकि रेरा से उनका पेमेंट 70% रिलीज हो जाए। किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेना चाहें तो इजिली आपको लोन मिल जाएगा, बिकॉज कभी कभी होता है किसी प्रोजेक्ट में SBI से सैंक्शन नहीं है या APF नहीं है, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट सारे बैंक से आपको APF मिल जाएगा। APF इन द सेंस अप्रूव्ड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल नंबर होता है, जो सभी बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट को दिया जाता है कि कोई भी बैंक, कोई भी कस्टमर लोन करवा सके, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, जहाँ से भी आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से आपका इजिली लोन हो जाएगा।
जाएगा क्योंकि टाइटल बिल्कुल क्लियर है। अगर SBI फाइनेंस कर रही है तो इनडायरेक्टली ये समझ जाए कि प्रोजेक्ट का टाइटल क्लियर है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना वो SBI का होता है। दोस्तों आप इस तरफ प्रोजेक्ट का बारकोड देख सकते हैं, ये बारकोड के द्वारा प्रोजेक्ट का डिटेल पूरा आप स्कैन कर सकते हैं और रेरा के वेबसाइट पर डायरेक्ट आप चले जाते हैं, वहां जाके आप सब चेक कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट का बारकोड अभी कंपलसरी हो गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपरेटिंग द्वारा। जो रेरा का लॉ है महारेरा का महाराष्ट्र में जो चलता है उसके द्वारा ये चीजें लीगल हो गया है कि उनको बारकोड लगाना ही पड़ेगा। तो ये बारकोड से कस्टमर सेंट्रिसिटी के लिए बनाया है रेरा के नॉर्म्स, तो ये बारकोड से आपको पूरा मैटर क्लियर हो जाता है कि क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें इन्होंने प्रोजेक्ट में करने वाले हैं इन फ्यूचर में। 2BHK और 3BHK का साइजिंग और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, जिसमें 2BHK और 3BHK का फ्लैट है, साथ ही साथ कोई बड़े घर का अगर शौक रखते हैं तो 2-2 का जोड़ी भी आपको मिल जाएगा, 3-3 का जोड़ी भी आपको मिल जाएगा। 3BHK जोड़ी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 7BHK में, 2+2 का जो जोड़ी है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 5BHK में। क्या होता है ना कि जब एक का आप कंबाइन कर देते हैं तो एक किचन आपका बच जाता है, वो किचन को आप बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2+2 यानी 4 बेड आपको जो उधर से मिलेगा, साथ ही साथ एक किचन जो एक्स्ट्रा मिलता है उसको भी आप मंदिर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किड्स बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टडी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5BHK आप बना सकते हैं 2+2 को और 3+3 को 7BHK बना। 2BHK का साइज और 3BHK के साइज पे मैं आता हूं। 2BHK का साइज 623, 647, 701, 623, 647 और 701, ये तीन साइज 2BHK का है। 3BHK का 1101, 1101। प्राइसिंग की बात करूं मैं, 2BHK का प्राइस आपको 1,12,00,000 से लेके 1,38,00,000 के बीच में आएगा, तीनों साइज की बात कर रहा हूँ। और 3BHK की बात करूँ 1.98 crore to 2.18 crore, यानी कि 1,98,00,000 से लेके 2.18 crore। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 800,000 का इसका एक्स्ट्रा पार्किंग है। अभी जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है ये एक टेंटेटिव प्राइस है, जो मैंने आइडिया दिया है कि इतने से इतने के बीच में आएगा। एक्चुअल प्राइस तो मैं आपको अभी ऑनलाइन नहीं बता सकता हूँ, आप मुझे फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम बैक ऑफिस टीम आपको हेल्प करेगी, मैं भी रहूंगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। और ये जो मैंने प्राइस बताया है ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट का एक्सपेंस जो आता है रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी GST प्लस पार्किंग ये आपको अलग से आएगा। हम लोग ट्रेनिंग लेके पास किया हुआ रेरा रजिस्टर CP है जो बिल्डर के द्वारा ऑथोराइज किए हुए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं कुछ एमिनिटीज के नाम बता देता हूँ बहुत शॉर्टकट में। स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन एंड वॉकिंग पार्क, टेरेस गार्डन, बैंकपिट हॉल, पोडियम गार्डन, मल्टीपर्पज कोर्ट, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, साइकिलिंग जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर गेम, गेम जोन एंड टॉडलर्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, बैडमिंटन कोर्ट, डबल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, रूफटॉप टेरेस। इसका एक स्टैंड बताऊं कि 8,000 स्क्वायर फुट का इसका सिर्फ फिटनेस सेंटर है। 8,000 स्क्वायर फुट छोटा मोटा डेवलपर का एक बिल्डिंग बनाने के लिए लैंड होता है जिसपे वो पूरा का पूरा टावर खड़ा कर देते हैं, यहाँ सिर्फ 8,000 स्क्वायर फुट का आपको फिटनेस सेंटर दिया जा रहा है। और ये तो मैंने आपको नॉर्दर्न हिल्स के बारे में बताया, हमारे पास और भी बहुत सारे बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती रहती है जो मैं हमेशा अपने चैनल पे डालता हूँ, जो सस्ते भाव में आती है वो जाके हमारे व्यूअर्स को फायदा हो जाए प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। इस प्रोजेक्ट की मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास में क्या चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप दहिसर चेकनका मेट्रो स्टेशन, SB रोड, दहिसर स्टेशन, ये सब आप पहुंच जाते हैं। टूवर्ड्स जब आप मुंबई से आते हैं तो चेकनका के पहले आपको गिरता है ये आपको MBMC नहीं BMC में आता है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है ये प्रोजेक्ट आपको दहिसर ईस्ट में। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है इस प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है
चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहाँ से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें, कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल, सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका OC आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है, कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपये चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना, तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपये आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है, बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके बाद डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपये ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का
मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, क्लोराइड ले लिया और PLC के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20-30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़, 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचे दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़, 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा इंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा इंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे, जो वो प्राइज बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग, तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइजिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करें अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों
सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, तो उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, नए बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार दोस्तों।